पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अब होने जा रहा है बैन, अभी तक हुआ नहीं है बट बंद होगा। मैंने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की है, आपके सामने ये सर्च करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये चीज बंद कब होगी। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि ये चीज जो इंप्लीमेंट होगी, चेंजेस होगी, ये 2025 के जनवरी में होगी। उनका गोल है कि जो इंप्लीमेंटेशन 2025 में कर दें। IRCC की वेबसाइट मैंने पूरी फ्रो ली है, बहुत सारी न्यूज़ को देखा है, उनके इंटरव्यूज को देखा है, मैंने बहुत सारी डिटेल्स इकट्ठी की है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये कब, कौन सी डेट को जाके ये जो चीजें इंप्लीमेंट होगी, अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती है तो किसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्या जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन रूल्स इम्प्लीमेंटेशन के बिफोर स्टडी कर रहे होंगे, क्या उनके ऊपर भी ये चीज इफेक्ट करेगी, और आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स में इनरोल होना चाहिए, कौन से कॉलेजेस में इनरोल होना चाहिए जहां पे आपकी गारंटी हो कि आपको 100% जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो मिले। इस वीडियो के लास्ट तक आपने देखना है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए, ये रिसर्च है, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा वन बाय वन आपके क्वेश्चंस के जो आपको मैंने जहां पे बताए हैं इनके आंसर करूंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कि आप हमें कितना प्यार करते हो, जो हम आपकी हेल्प करते हो उससे आपकी कितनी हेल्प हो रही है। एक लाइक आपका हमारे लिए वो चीज है मोटिवेशन, और हम डेली 12 बजे लाइव आते हैं, वहां पे भी आके हमसे स्ट्रेट क्वेश्चनिंग कर सकते हो। सो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बंद हो रहा है जी, सबसे पहला क्वेश्चन के जी हो रहा है जी जनवरी में इमिग्रेशन का रूल है, इमिग्रेशन का गोल है कि जी हमने जो इम्प्लीमेंटेशन जो आप सोच रहे हैं जो करनी है, जो हम सोच रहे हैं कि जे जाके करें जनवरी के 2025 में, ठीक है जी। उसके बाद आ रहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन जो ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में रूल्स आ रहे हैं, इस रूल से इफेक्ट कौन कौन होंगे, ठीक है। जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है जी, देखो कंप्लीटली बंद नहीं होगा, आपको सबसे पहली ये चीज समझनी होगी। जैसे कि स्टूडेंट वीजा कंप्लीटली बंद नहीं हुआ, जैसे कि हमारा स्पाउस वीजा कंप्लीटली बंद नहीं हुआ, वैसे ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी कंप्लीटली बंद नहीं होगा, और ना ही वो इनके फ्यूचर में करेंगे, क्योंकि उनका जो मेन रेवेन्यू वो कहां से है, कनाडा से है, ठीक है। वो उनका मेन रेवेन्यू जो कनाडा से है, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो टैक्स भरते हैं वहां पे काम करके, अगर वहां पे स्टूडेंट ही नहीं आएगा, अगर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होगा तो स्टूडेंट अप्लाई ही नहीं करेगा, तो कैसे कनाडा को रेवेन्यू होगा, ठीक है। सो वो चीज जो है बंद नहीं करेंगे। सो उसके बाद है जी, ये इनको नीड क्यों पड़ी, देखो जब अगर मैं आपके सवाल का आंसर करूं कि किस किस को इफेक्ट होगा, अगर मैं आपको बताऊं कि किस कोर्स में आपकी गारंटी होगी, अगर आपका भी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट चेंजेस आ जाए, कुछ आ जाए, आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी। देखो मतलब क्या है कि आपको पता है कि कनाडा में भी करंटली जो जॉब्स का है वो थोड़ा सा हॉच पॉच हुआ पड़ा है, ठीक है, सबको जॉब्स नहीं मिल रही, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं जिनका कोई तुक ही नहीं है, जिनको स्टूडेंट करके जॉब नहीं हासिल कर पा रहा, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स मेजॉरिटी में करने जाते हैं और उनकी अभी जॉब मार्केट में नीड नहीं है। सो करंटली कनाडा इमिग्रेशन क्या कह रही है कि जी हमें उन बच्चों की नीड है जो कि हमारी जॉब मार्केट को टारगेट करें। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हो गए, कंप्यूटर सिस्टम हो गए, कंप्यूटर साइंस के हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, सिविल इंजीनियर्स हो गए, उनको इनकी नीड है, ठीक है। इन प्रोग्राम्स में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स इनमें पढ़ने जाते हैं। उसके बाद मेडिकल हो गया जी, मेन प्रायोरिटी है मेडिकल स्ट्रीम में, आपको पता है कि जी कितने ज्यादा कम जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं। अभी का जो एजेंडा था कि जी प्लस टू करो, आर्ट्स में करो, अच्छे नंबर लो, कनाडा जाओ, ठीक है, 80% लो, कनाडा जाओ, ठीक है। सो ये चीज थी, आर्ट्स आपको पता है कितनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, तो उसमें जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, या फिर कॉमर्स वाले बिजनेस मैनेजमेंट में जाते थे, तो ये प्रोग्राम्स में अगर आप जाओगे तो मैं कहूंगा कि जी आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आफ्टर 2025 जनवरी नहीं मिलेगा। सो अभी से अगर आप करना चाहते हो, आज आप जो है प्रोग्राम्स चूज करके अपनी स्टडी वीजा फाइल अप्लाई करना चाहते हो, तो जो जिनकी डिमांड है, जिन जॉब्स की डिमांड है, उनको कोर्सेस में अप्लाई करो कि आपको जो फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग के बाद इसकी डिमांड है, तो आप जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलेगा, आपको PR भी मिलेगी, आपको सब कुछ हासिल है जो होगा। सो ये चीज है आपको पूरी ध्यान से रखनी होगी। हाँ, आप हमारी इसमें असिस्टेंस ले सकते हो, स्टडी वीजा जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हम अप्लाई करते हैं, ना पैसे पहले ना पैसे बाद में, ठीक है। जो स्टडी वीजा हम फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करते हैं, चाहे आपकी रिफ्यूजल है, चाहे आपका फ्रेश केस है, आप एक बार हमारे साथ है जो अपना केस डिस्कस करिए,
अगर आप हमसे अप्लाई करवाते हो स्टडी वीजा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पीआर तक दिक्कत नहीं आएगी, तब तक हम आपको असिस्ट करते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। सो ये चीजें हैं जो आईआरसीटी इंप्लीमेंटेशन कर रही है, उनको नीड भी इसीलिए पड़ी है क्योंकि यार आपको भी पता है कि यार हर कोई होटल मैनेजमेंट में चला जाता है, हर कोई बिजनेस मैनेजमेंट में चला जाता है, ठीक है, हर कोई इलेक्ट्रिकल का उसने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया होता है या फिर उसने बीटेक की होती है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला जाता है, तो वहां पर इन कोर्सेज की डिमांड नहीं है आप, ठीक है। सो दैट इज वाई इन कोर्सेज में अगर आप जाओगे अभी स्टडी करोगे तो आपको जो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको वीजा भी लेकर देंगे, पीआर तक आपकी जो है असिस्टेंस हम करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अभी बस लाइव आने वाले हैं, आप 12 बजे हम लाइव आते हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड बाकी हमसे जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग आप करके अपने आंसर्स हैं जो क्लियर कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, सत श्री अकाल, लाइक करना मत भूलिए।